तो यहाँ पर दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने सैमसंग के F23 Ultra में यहाँ पर फिंगरप्रिंट कैसे लगा सकते हो। फिंगरप्रिंट लगाने के लिए आप यहाँ पर ऊपर स्वाइप डाउन करोगे एंड यहाँ पर सेटिंग में जाओगे। सेटिंग में जाने के बाद नीचे स्क्रॉल करोगे एंड आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा बायोमेट्रिक्स का। तो आप यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर आपको फेस का एंड फिंगरप्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा। फिंगरप्रिंट लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर अपना पैटर्न लगाएंगे एंड लगाने के बाद यहाँ पर ऐड फिंगर पर क्लिक करेंगे एंड अपना यहाँ पर आप फिंगर ऐड कर सकते हो। रजिस्टर पर क्लिक करके यहाँ पर दोस्तों आपको अपना फिंगर को पूरी तरह मूव करना है इधर से उधर, तभी आप यहाँ पर फिंगरप्रिंट लगा पाओगे। यहाँ पर दोस्तों मैंने ऑलरेडी फिंगरप्रिंट लगा रखा है। अगर दोस्तों यहाँ पर आप बैक करते हो, बैक करने के साथ आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा शो अनलॉक ट्रांजेक्शन इफेक्ट, तो यहाँ पर क्लिक करोगे तो अभी जो है जो आपका काफ़ी इफेक्ट हो जाएगा, बढ़िया वाला इफेक्ट लगेगा जब भी आप इसको अनलॉक करोगे। तो जैसे कि मैं अभी करता हूँ तो यहाँ पर एक इफेक्ट सा आ रहा है। तो इसी के कारण दोस्तों आप फिंगरप्रिंट सेटिंग कर सकते हो अपने F सीरीज के किसी भी मोबाइल फ़ोन में।